पहला ऐसा है कि इससे पहले भी हम चुनाव कैंपेन किए थे और जब सदस्य में लड़े थे भी थोड़ा ऐसा हो गया था, सबके पास जाके मिलना और थोड़ा बहुत पहचानत बढ़ गए थे। और भैया का जो जितना काम किए हैं इधर उसको लेके भी लोग बहुत आशीर्वाद दिए और बहुत सपोर्ट किए हैं। और अपना दल भी सपा को हराने के लिए हमको सपोर्ट दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, लास्ट मोमेंट पे ही अपना दल ने आपके पक्ष में वोट कर दिया है, तो किस तरह से अपना दल को आपने मोटिवेट किया? क्या किसी डेवलपमेंट एजेंडे को लेकर के बातचीत हुई या किस तरह की बात? हाँ, बेसिकली जौनपुर डेवलपमेंट के को देखे तो जो पिछले अध्यक्ष थे 5 साल में बहुत करप्शन थे और एकदम कुछ डेवलपमेंट विकास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लोगों को भी एक वैक्स हो गया कि यू नो हर बार ऐसे चले गए तो फिर देर इज़ नो डेवलपमेंट एट ऑल। सो इसीलिए तो वो लोग इस बार हमारे ऊपर भरोसा करके हमको यू नो दे मेड मी विन द सिलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ? नो नो, बिग थैंक यू एंड बहुत बड़ा धन्यवाद गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को, बिकॉज दे डिड अ वेरी वेरी फेयर इलेक्शन। टू ऑल द ऑफिसर्स आल्सो आई थैंक देम वन मोर टाइम। मैम, जब आप नॉमिनेशन करने जा रही थी तो आपने कहा था कि आप ये जो आने वाला कार्यकाल है अगर आपको सदस्य मौका देते हैं तो आप इसको करप्शन फ्री रखेंगे, अलग yes, अलग रखेंगे। दैट इज़ माई प्रायोरिटी, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शो द डिफरेंस कि हम जीतने के बाद जो ये जो 5 साल कैसा रहेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी करप्शन फ्री एंड मैक्सिमम जितना डेवलपमेंट करना चाहिए वी विल ट्राई टू फिनिश इन 5 ईयर्स वॉट एवर यू नो इज अलॉटेड टू अस। मैम, प्रायोरिटी क्या रहेगी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो मेन फोकस आपका किस चीज़ पर? देखिए, डेवलपमेंट कैन नॉट स्टॉप, कंटिन्यूसली वो चलता रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग ख़त्म कर लिए डेवलपमेंट हो गया। जितना पॉपुलेशन ग्रो होता है रहेंगे, सबको आवाज़ रोड्स ये सब होते रहते। और अभी जैसा वेदर्स को भी देखे तो बारिश ज़्यादा और यू हैव फ्लड्स ये वो, जो पूरा रोड्स भी यू नो एवरी इतना बैड क्वालिटी, जो भी काम किए थे इतना बैड क्वालिटी किए थे, एक बारिश के बाद पूरा रोड्स ख़राब हो जाते थे और लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। सो दैट इज़ द रीज़न नाउ पीपल चोज अस एंड दिस टाइम यू नो मेड मी विन दिस इलेक्शंस ताकि सो दैट आई डू गुड वर्क।